हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सरोज। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम बिना दूध की बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मलाईदार कुल्फी किस तरीके से बनाई जाती है, वो भी बिल्कुल मार्केट जैसे मटका कुल्फी, मलाई कुल्फी भी आप बोल सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगी और बहुत ही ईजी है तरीका दोस्तों बनाने का। तो आपका कोई भी घर का मेम्बर बना सकता है, वो भी बिना दूध के बनाएंगे हम ये। और दोस्तों, वीडियो पूरा एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पास में बेल आइकन बटन है, उसको भी आप प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो कि हम आज बिना दूध के किस तरीके से मलाईदार कुल्फी बना रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक कटोरी में लिया है पानी। जो पानी हमें नॉर्मल ही पानी रहता है घर में, वही वाला मैंने पानी लिया है, बट थोड़ा सा देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस कढ़ाई के अंदर पानी डाल दिया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 से 1.5 चम्मच हम लेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाल दिया, तो इसमें आप और भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। आप थोड़ा सा गाढ़ा ज़्यादा रखना चाहते हैं, ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो आप और भी इसमें डाल सकते हैं। और इसको डालने के बाद में हमें इसमें एक भी लम्स नहीं होने चाहिए दोस्तों, इस तरीके से हमें इसको मेल्ट करते रहना है, ताकि बिल्कुल जैसे दूध हमारा बनता है ना, दूध टाइप का बच जाए और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़े, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। आपको इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं नज़र आ रहे होंगे, तो आप ये बिना दूध के भी ये कुल्फ़ी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाली है इस तरीके से बनाएंगे तो आप। और दोस्तों, गर्मियां स्टार्ट हो चुकी है, तो गर्मियों में आइसक्रीम कुल्फ़ी, मटका कुल्फ़ी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि ठंडी चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसमें सूजी का ऐड कर सकते हैं, आटे का भी यूज कर सकते हैं। आपके पास में अगर ये कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आप वैसे भी जैसे आप मैंने जो मिल्क पाउडर डाला था, आप इसकी मात्रा थोड़ी और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास में ये नहीं है तो। तो इसको दोस्तों हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल अच्छे से पका लेना है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसको गाढ़ा कर लेना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो जाए। इसको पकने में हमें 6 से 7 मिनट का वक्त लग जाएगा। इसी टाइप से चलाते रहेंगे और जो साइडों में थोड़ा सा दूध चिपकेगा उसको हम बीच बीच से निकालते भी रहेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, पहले से हमारा जो आइसक्रीम का जो बैटर है, ये देख सकते हैं गाढ़ा होने लगा है। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसे टेस्ट आएगा, बिल्कुल मार्केट जैसे आप बना लेंगे। और जो खाने का टेस्ट है, बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देख सकते हैं, हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा होने लगा है, और जो साइडों से चिपक रहा है ना, उसको भी अब हम बीच बीच में निकालते रहेंगे, ताकि इससे जो हमारी रबड़ी जो बनेगी, कुल्फी बनेगी, वो बिल्कुल जो खुरचन जैसी कुल्फी होती है ना, उस टाइप की बिल्कुल गाढ़ी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको 6 से 7 मिनट का वक्त इसमें पकने में लग जाएगा, तो आपको जल्दबाजी इसमें बनाने में नहीं करनी है। और दोस्तों, गर्मियों के मौसम में तो ये चीज़, ठंडी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सभी को पसंद होती हैं, और बच्चों को तो खास करके मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले से जो हमारा दूध है बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा भी होने लगा है, तो अब हमें इसको और भी ज़्यादा गाढ़ा करना है। तो आपको तो क्या करना है, सिर्फ फुल गैस पे रख देना है और इसको बीच बीच में चलाते रहना है। और आपको कुछ भी, आप और कोई भी काम कर सकते हैं, बीच बीच में इसको चलाते रहिए। यहाँ पे मैंने डाला है इसमें चीनी। तो चीनी दोस्तों, आपको जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं ना, उतना आप इसमें मीठा डाल सकते हैं। तो चीनी को डालने के बाद में भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, और चीनी डालने के बाद में चीनी इसमें पानी छोड़ने का काम करती है, तो थोड़ा सा ये बैटर पतला हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से ये गाढ़ा होने लगा है इस तरीके से, ये जो बैटर है हमारा। तो हमारा जो ये रोड़ने का जो है ना, जो चमचा है, उस पर बैटर चिपकने लगा है, देख सकते हैं। तो लग रहा है कि हमारा पहले से बहुत ही गाढ़ा होने लगा है जो बैटर है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा बैटर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा भी होने लगा है इस तरीके से। ये देख सकते हैं चिपकना स्टार्ट हो चुका है, तो लग रहा है कि बहुत ही गाढ़ा है। तो अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं दो घंटे के लिए बिल्कुल। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जमाने के लिए इस तरीके से ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो आपके पास में अगर इस तरीके की कुल्फ़ी जमाने की नहीं है तो आप किसी भी गिलास में जमा सकते हैं या किसी भी बर्तन में जमा सकते हैं। जैसे आपके पास में ये बर्तन हो उसी में आप गिलास में कटोरी में जो जिसमें चाहें उसमें ये कुल्फ़ी जमा सकते हैं। अगर आपके पास में ये स्टैंड नहीं है तो मैंने इसमें अच्छे से डाल करके और अच्छे से सेट कर लिया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं इसको बिल्कुल अच्छे से पैक करना है, बट इसको ढक्कन को अच्छे से गाढ़ा करना है। तो ये मैंने देख सकते हैं जमाने के लिए रख दिया है। अगर आपके पास में और भी है तो और भी इसमें जमा करके रख सकते हैं, और भी ये जमाने की है तो इसको हम इसी टाइप से फ्रीजर में रख देंगे। इसको हमें 10 घंटे के लिए कम से कम रखना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। आप किसी भी बर्तन में किसी में भी डाल करके रख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी कुल्फी जम चुकी है देख सकते हैं, और मैंने इसको निकाल भी लिया है। तो मैंने पूरियों को नहीं निकाला है क्योंकि आपके आवश्यकता अनुसार आप निकाल सकते हैं, एक साथ में नहीं खाना चाहते हैं तो, क्योंकि वो निकलने के बाद में नरम हो जाती हैं तो वो खाने में मज़ा नहीं आता है। तो ये हमारी कुल्फी देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है और निकल के तैयार हो चुके हैं। तो बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है हमारी जो कुल्फी है। तो दोस्तों हमारी बिल्कुल इजी तरीके से कुल्फी बनाने की, बिल्कुल मलाईदार कुल्फी बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक।